हेलो एंड वेलकम। ग्रेट एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एमडी समी। आज ये सीआरएम का लास्ट लेक्चर होने वाला है बच्चों। जो भी आप इंतज़ार कर रहे थे कि सीआरएम कब ख़त्म करेंगे, तो ये सीआरएम आपका ख़त्म हो गया। बहुत ही रिसर्च करने के बाद हमने आपके लिए एक सिलेक्टिव कंटेंट्स बनाए हैं, जिसको मैंने 11 लेक्चर्स में ख़त्म किया है बच्चों। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आना है। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि 2 से 3 या हो सके तो 4 बार आप लोग रिविज़न ज़रूर करिएगा बच्चों। जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ वही कंटेंट आपको दिया गया है। अगर आप कहीं पेड कोर्सेस जाते हो तो इतना कंटेंट वहाँ भी आपको नहीं मिलेगा। आप देखते भी होंगे, जो बच्चे और भी जगहों से पढ़ रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कि ये कंटेंट बहुत ही अफेक्टिव कंटेंट है बच्चों। तो आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आज का टॉपिक क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज इन सीआरएम। ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं बच्चों जो आपको थ्योरी में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कई सारे बिजनेसेस में इनका यूज होता है। तो उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैं इकट्ठा यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सारे चीज़ों को मैं एक एक करके बताऊँगा। एक एक पॉइंट को आप लोग को बहुत ही अच्छे से ध्यान दे के सुनना है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट उसको टिक कर सकें। और हम लोग जानेंगे एक नई चीज़ को, डाटा मार्ट यूज इन सीआरएम। डाटा वेयर हाउस के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों, यहाँ पे हम डाटा मार्ट के बारे में जानेंगे। ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इसको हम लोग अलग से समझेंगे डिटेल में क्या है एक्चुअली ये। और साथ ही हम लोग एक नए टॉपिक को समझेंगे, सीआरएम फनल। सीआरएम फनल जो है बच्चों, वो सीआरएम के कई सारे स्टेजेस से गुजरता है। सीआरएम में जो बिजनेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बिजनेस के लिए, उन सारे चीज़ों को एक कैटेगराइज किया गया है सीआरएम फनल में। तो ये एक स्टेजेस है जिससे हमें गुजरना होता है फाइनल लीड्स पहुंचने के लिए। तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे, कितने इसमें स्टेज होते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। और लास्ट में जो हम लोग समझेंगे सीआरएम बिजनेस साइकिल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। बिजनेस साइकिल मतलब जब हम सीआरएम का इम्प्लीमेंटेशन अपने बिजनेस में करेंगे तो क्या क्या साइकिल से इसको गुजरना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए बच्चों टर्मिनोलॉजी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टर्मिनोलॉजी है कस्टमर परसेप्शन एनालिसिस। तो कस्टमर परसेप्शन एनालिसिस जो है, इसमें हम लोग एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वैल्यू चैन मॉडल। तो इसमें क्या करते हैं कि कोई भी कस्टमर जिससे हम इंटरेक्ट करने जा रहे हैं या जिससे हम बात करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि उस कस्टमर का हमारे ब्रांड या हमारे कंपनी के प्रति सोच क्या है। इससे हमें ये हेल्प मिलता है कि उस कस्टमर को हम अच्छे से अपनी कंपनी या ब्रांड के बारे में बता सकते हैं। तो इसी चीज़ की एनालिसिस वैल्यू चैन मॉडल के द्वारा की जाती है, जो कि मैंने आपको 9th लेक्चर में बताया है बच्चों। तो कस्टमर परसेप्शन एनालिसिस क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कंजॉइंट एनालिसिस। कंजॉइंट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कि हम ये देखते हैं कि जो भी कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, तो उसने जो वैल्यूएबल फीडबैक दिए हैं उसी वैल्यू को हम लोग मेजर करते हैं। कंजॉइंट एनालिसिस एक मेथड है उस वैल्यू को मेजर करने का, जो कि कंज्यूमर दे रहा है हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स से रिलेटेड और उसके सर्विस से रिलेटेड। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि इसका जो इस्तेमाल है ये कॉमन रियल लाइफ में किया जाता है, जो कि एक स्टेटस बताता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस बहुत ही अच्छा मार्केट में दे रहे हैं, तो जो हमें रिव्यू मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। तो उसी वैल्यू को मेजर किया जाता है, ताकि अपने बिजनेस को हम बढ़ा सकें, अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स को इनक्रीज कर सकें, अपनी ब्रांड की वैल्यू को बढ़ा सकें। इन चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम कंजॉइंट एनालिसिस करते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कंपटीशन एनालिसिस। कंपटीशन एनालिसिस में क्या है बच्चों, ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मेजर कंपटीटर कौन है मार्केट में। इसमें हम लोग सेल्स भी देखेंगे कि सेल्स में हम लोग का कंप्यूटर के कैसा है, प्रोडक्ट भी देखेंगे और मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमें कैसा चल रहा है। इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद हम एक पावरफुल स्ट्रेटजी बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, ताकि जो पहले से कंप्यूटेटर हमारे मार्केट में मौजूद हैं उससे अच्छा प्रोडक्ट हम
लॉन्च कर सकें। तो कंपटीशन एनालिसिस में ये किया जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बच्चों मार्केट एनालिसिस। तो मार्केट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, ये एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ मार्केट है, जिसमें हम लोग साइज ऑफ मार्केट देखते हैं कि मार्केट का साइज क्या है, वॉल्यूम और वैल्यू के आधार पे कितना वॉल्यूम हम प्रोडक्ट अपने उस मार्केट में बेच सकते हैं या वो मार्केट हमें कितना वैल्यू देगी। हम कस्टमर का सेगमेंट बना लेते हैं इसमें बाइंग पैटर्न के आधार पे और कंपटीशन के आधार पे, क्या कंपटीशन चल रहा है, कस्टमर का बाइंग पैटर्न कैसा है और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, उसके आधार पे उस मार्केट में हम लोग एंट्री कैसे ले सकते हैं और क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि मार्केट में पहले से बना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों की एनालिसिस की जाती है, वो मार्केटिंग एनालिसिस के अंदर आती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बच्चों रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपने रजिस्टर का नाम सुना होगा, तो ये क्या है, रिटन रिकॉर्ड्स। जब हम अपने रिकॉर्ड्स को रखने के लिए रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो ये मेमोरी में इनबिल्ट होता है, सीआरएम में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। पहले हम लोग को पेपर वर्क करना पड़ता था, इसका जो इस्तेमाल है कैसे किया जाते हैं, किस किस रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जैसे कि एक्यूमुलेटर हो गया, डाटा रजिस्टर हो गया, एड्रेस रजिस्टर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, मेमोरी डाटा हो गया या इंडेक्स रजिस्टर हो गया एंड मेमोरी बफर रजिस्टर। इन सारे रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हमारा वर्क है डाटाबेस मैनेजमेंट का वो इफिशियंट हो सके। अगला जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बच्चों कॉलम। तो कॉलम क्या है कि सिंगल टाइप ऑफ वैल्यू को एक कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। ये एक डाटा अरेंजमेंट है जो कि सिंगल टाइप ऑफ वैल्यू को एक कॉलम में रखा जाता है। अगला है बच्चों लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स में क्या करते हैं बच्चों, जो भी कंटेंट या इन्फॉर्मेशन, जो पैटर्न्स आप कर रहे हैं, कंज्यूमर जो पैटर्न्स फॉलो कर रहा है, उसकी एक लॉग फाइल बना देता है। जैसे कि वेबसाइट में कितनी बार हमने उनके वेबसाइट को लॉगिन किया, कितने बार प्रोडक्ट्स को सर्च किया, कितने प्रोडक्ट्स को हमने खरीदा, तो इन सारी चीज़ों का एक लॉग फाइल में बना लेता है सीआरएम, ताकि जब हम उसकी एनालिसिस करें तो डायरेक्टली डाटा हमें मिल जाए। तो ये हमें मार्केटिंग डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करता है बच्चों। अगला जो टर्मिनोलॉजी है चार्ट्स। तो चार्ट क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया कि ये एक डाटा को विजुअलाइज करने का तरीका है, ताकि सिंगल क्लिक में हमें सारी चीज़ें दिख जाएं कि हमारे कंपनी में कितना सेल्स हुआ है, क्या ग्रोथ हुआ है, तो ये चार्ट्स के रूप में किया जाता है। तो चार्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अगला जो टर्मिनोलॉजी है बच्चों बिजनेस स्ट्रेटजी। तो बिजनेस स्ट्रेटजी में क्या करते हैं हम लोग, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो बिजनेस स्ट्रेटजी बनाना है तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है बच्चों, शॉर्ट टर्म प्लान नहीं होता है कि दो दिन के लिए प्लान बनाए फिर उसके पास कुछ नहीं। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो कि दो साल एक साल के लिए बनाते हैं हम लोग। तो लॉन्ग टर्म प्लान में क्या करते हैं, ताकि हम लोग एक डिजायर्ड गोल अचीव कर सकें, अपने विजन को अचीव कर सकें, कंपनी को प्रोडक्ट्स को कैसे प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में उतारना है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है, किस तरह की सर्विसेज देना है, ये हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी में आ जाती है। ऑपरेशनल स्ट्रेटजी क्या होता है बच्चों, जो भी हमने स्ट्रेटजी बनाई उसे ऑपरेट करना, उसे ऑपरेट करने के लिए हम डाल देते हैं, तो वो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी में आ जाती है। तो ये क्या है, रिफाइनिंग एंड स्पेसिफाइंग अ कंपनी एंड डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी इनिशिएटिव ऑपरेशनल प्लान्स। जो भी हमने प्लान्स बनाया उसे सक्सेसफुली अचीव करने का ये तरीका है। अगला जो है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटजी। तो ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटजी में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, जब हम बिजनेस स्ट्रेटजी बना लिए तो बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने पर हमें उसे ऑपरेट करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो हम ये देखते हैं, मेरा ये ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटजी में, कि वो हमें क्या वैल्यू देगा, हमारे कंपनी में कितना वैल्यू ऐड करेगा, या कस्टमर रिटेंशन कैसा होगा, सेटिस्फैक्शन कैसा होगा, इन चीज़ों की हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ताकि हम इनकी वैल्यू को बढ़ा सकें, इन चीज़ों को हम बढ़ा सकें। अगला जो है बच्चों टर्मिनोलॉजी स्ट्रेटेजिक इंटरनल मार्केटिंग। तो इसमें हम लोग इंटरनल मार्केटिंग में देखते हैं, बनाते हैं स्ट्रेटजी। ये एक टूल है जो कि कम्युनिकेशन में हमें हेल्प करता है, हम कस्टमर से कैसे बात कर रहे हैं या अपने स्टाफ से कैसे बात करना, इन चीज़ों को हम इसमें ध्यान देते हैं। और ये टूल हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो भी आपस में हमें टकराव है, जो भी कंपनी रजिस्टर कर रही है या हमें अपोज कर रही है, उन चीज़ों को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये हम लोग पहले से बना लेते हैं ताकि उन चीज़ों से हम लड़ सकें। अगला जो टर्मिनोलॉजी है बच्चों कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हमने दिए हैं वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को
फेल कर रहा है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मीट करने में फेल हो गया है। तो कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस आता है कस्टमर का, नेगेटिव फीडबैक आता है प्रोडक्ट्स को लेके, उन चीज़ों का हम रिकॉर्ड रखते हैं ताकि अगली बार जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च करें या बनाएं तो इन चीज़ों को हम ध्यान दे सकें और प्रोडक्ट्स में ये सारी गलतियां ना हो, ताकि एक प्रॉपर बिजनेस बना सकें, तभी हम अपनी ब्रांड की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। कस्टमर डिफेक्शन क्या होता है? कस्टमर डिफेक्शन जो है बच्चों ये होता है कि कितने कंज्यूमर्स आपके पास से छोड़ के चले गए हैं। कब तो कस्टमर डिफेक्शन होता है लॉस ऑफ यूजर्स कंज्यूमर्स, इसे चर्न भी कहा जाता है या एट्रिशन भी कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कस्टमर थे वो आपको छोड़ के चले गए, तो कस्टमर आपसे डिससेटिस्फाई हुए तो ही छोड़ के चले गए, तो ये कंपनी का एक तरह से लॉस है बच्चों, जो कि ये नहीं होना चाहिए। और ये एक्चुअली इस पर कंट्रोल कंपनी का होता भी नहीं है, कुछ ना कुछ कस्टमर छोड़ के चले ही जाते हैं, तो वो बहुत ही कम मात्रा में जाते हैं। लेकिन अगर हम डिससेटिस्फाइड प्रोडक्ट बनाएंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे कस्टमर हमारे पास से छोड़ के चले जाएंगे, तो वो कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो इस पॉइंट पर बहुत ही ध्यान दिया जाता है बच्चों, जो कि हर एक 5 साल में देखा जाता है। तो हर एक 5 साल में ये देखा जाता है बच्चों कि कुछ ना कुछ कंज्यूमर्स छोड़ के चले ही जाते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो इतना अच्छा लॉन्च करें कि कस्टमर उस सेटिस्फाइड रहे, प्रोडक्ट हमारा डिससेटिस्फाइड ना हो, कस्टमर उसका लाभ ले सके, वो कस्टमर के लाइफ में वैल्यू को ऐड कर सके, तभी कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छा सर्विस दे सकें। अब देखिए अगला जो टर्मिनोलॉजी है डिफेक्शन रेट। तो डिफेक्शन रेट क्या है बच्चों? कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया लेक्चर्स में कि चर्न रेट, मैंने आपको बताया कि जितने भी जिस रेट से कंज्यूमर हमें छोड़ के जाते हैं वही डिफेक्शन रेट होता है, वही चर्न रेट होता है, वही एट्रिशन रेट होता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे द रेट एट विच एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है लीव द ब्रांड एंड स्विच ओवर टू अ कंपिटिटर, मतलब दूसरे कंपनी में चले जाएं, दूसरे ब्रांड को चूज कर लें। तो इसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना। अगला जो टर्मिनोलॉजी है बच्चों कैंपेन मैनेजमेंट। तो कैंपेन मैनेजमेंट क्या है बच्चों? ये एक स्ट्रेटजी है जो कि बिजनेस गोल्स को सपोर्ट करती है। इसमें हम लोग मार्केटिंग टीम को टोटली मैनेजमेंट की मार्केटिंग कंपेन जो किया जाता है, तो ये मार्केटिंग कंपेन किया जाता है, तो इसमें हम लोग कंपेन मैनेजमेंट करते हैं। सारी डिज़ाइन जो होती है बच्चों, प्लानिंग, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग, सारी चीज़ों को करने के बाद हम कंपेन करते हैं, तो उसी को मैनेज करने का तरीका है कंपेन मैनेजमेंट, ताकि जो हमारा प्रेजेंटेशन हो वो अच्छा हो, जो हम मार्केटिंग कंपेन कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिले, इसलिए हम लोग कंपेन्स मैनेजमेंट करते हैं। अगला जो टर्मिनोलॉजी है बच्चों बिहेवियरल डाटा। तो बिहेवियरल डाटा क्या होता है? जो भी हम डाटा जनरेट होता है किससे? कस्टमर एंगेजमेंट से, मतलब हमारे कंपनी में कितना कस्टमर आ रहा है, किस तरीके से हमारे कस्टमर जुड़ रहे हैं, हमसे इंगेज हो रहे हैं, तो उन जो डाटा को अरेंज किया जाता है वो कस्टमर एंगेजमेंट में आ जाता है बच्चों। जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे कि बिहेवियरल डाटा इज डाटा जनरेटेड बाई और इन रेस्पॉन्स टू अ कस्टमर एंगेजमेंट विथ अ बिजनेस। कॉमन सोर्स ऑफ बिहेवियरल डाटा क्या है? इंक्लूडिंग अ वेबसाइट हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, CRM सिस्टम हो गया, या मार्केटिंग ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, कॉल सेंटर हो गए, हेल्प डेस्क हो गए, और बिलिंग सिस्टम हो गया। इन सारी चीज़ों से कस्टमर हमारे से इंगेज होते हैं, तो ये डाटा जो है उसी का स्टोरेज करता है, उसी को बिहेवियरल डाटा कहा जाता है। अगला टर्मिनोलॉजी है बच्चों डिक्लेयर डाटा। तो डिक्लेयर डाटा एक तरह का जीरो पॉइंट डाटा है, जो कि यहाँ पे किसी से इंटरेक्शन नहीं होता है बच्चों, किसी से हम इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जब हम किसी को कोई प्रोडक्ट ले रहा होता है या वेबसाइट से इंगेज हो रहा होता है, तो डायरेक्टली हमें वहाँ से डाटा मिल जाता है कि इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सर्च कर रहा है, या हम फॉर्म वेबसाइट में भर देते हैं तो उससे कंपनी को ये मालूम चल जाता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, किन चीज़ों को हम प्रिफर करते हैं। तो ये फ्रीली जनरेटेड डाटा है जो कि कंपनी में आ जाता है डिक्लेयर, यानी कि आई डिक्लेयर दिस डाटा, जैसे फॉर्म आप भरते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, तो ये डिक्लेयर डाटा होता है बच्चों। अब देखिए फर्स्ट पर डाटा क्या होता है? वो डाटा जो जनरेट हुआ है कंज्यूमर और ब्रांड के बीच में इंटरेक्शन से, डायरेक्टली हम कंज्यूमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है कि हम किसी दूसरे के पास गए और वो किसी तीसरे के पास लेके गया, डायरेक्टली हम कंज्यूमर से इंटरेक्ट करते हैं, ब्रांड का इंटरेक्शन होता है, वही होता है फर्स्ट पार्टी डाटा। तो डिक्लेयर डाटा आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, ये एक जीरो टाइप का डाटा है, इसे कह सकते हैं। तो इस पर आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, इसे भूलिएगा नहीं।
अगला जो है ट्रांजेक्शन डाटा। तो ट्रांजेक्शन डाटा क्या है बच्चों, जो भी इंफॉर्मेशंस ट्रांजेक्शन से आ रहा है कि किस तरह के ट्रांजेक्शन वो कर रहा है, कितने ट्रांजेक्शन कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है कि कम कर रहा है, इस तरीके के जो डाटा आते हैं वहाँ से उसे कहा जाता है ट्रांजेक्शनल डाटा। अगला है बच्चों कस्टमर डाटा। तो कस्टमर डाटा में क्या करते हैं हम लोग, ये हमें बताता है कि जो कस्टमर आपके पास आए हैं कौन है आपके कस्टमर और वो किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को या सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, ये हमें हेल्प करता है इसे जानने में। तो ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है कि आपके कौन कौन से कस्टमर हैं, वो कस्टमर किस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, किस प्रोडक्ट के सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो ये डाटा हमें ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। इस डाटा का जो कलेक्शन है बच्चों, ये हमें ये समझने में बहुत ही हेल्प करता है कि उसका कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है कंपनी के साथ में, ताकि जो हमारा मार्केटिंग है उसको हम इम्प्रूव कर सकें, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकें, और जो सपोर्ट टीम है वो अपनी सर्विस को इम्प्रूव कर सके। इन चीज़ों को इम्प्रूव करने में ये हमें हेल्प करता है। अगला जो टर्मिनोलॉजी है बच्चों वो है कॉल स्क्रिप्टिंग। तो कॉल स्क्रिप्टिंग क्या है कि जो भी स्क्रिप्टिंग किया जाता है कोड के फॉर्म में, ताकि जैसे कि अगर हमने कॉल लगाया तो कॉल लगाने पे एक कोड होता है जो कि ऑटोमेट होता है, ये कॉन्टैक्ट को मेंटेन रखता है। जैसे अगर आप कॉल लगा के हम इंगेज होते हैं रोबोट से, तो वो कोड के जरिए होता है और वो ये एक स्पेशल स्क्रिप्ट होता है। जैसे कि हमने बताया कि डाटा पैक हमारे में ख़त्म हो गया है, तो जब आपने डाटा पैक बोला जैसे ही वहाँ जो स्क्रिप्ट में एंटर है पहले से, वो सारे इन्फॉर्मेशन को दे देगा कि ये जो पर्सन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये डाटा पैक कब रिचार्ज करता है या कितना रिचार्ज करता है। तो इससे हमारा ये इन्फॉर्मेशन निकल गया। तो ये एक कोड फॉर्म में किया जाता है कॉल स्क्रिप्टिंग। तो इस तरीके से हमें एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाता है कि कस्टमर की वांट क्या है और उसकी डिमांड क्या है, क्या वो डिज़ायर्ड प्लान्स उसके हैं। तो इस तरीके से हम लोग कॉल स्क्रिप्टिंग किया जाता है। तो CRM में इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, कि कोई भी प्रोडक्ट जो वो लेना चाह रहा है तो किस फीचर्स को प्रीफर करता है या किस प्रोडक्ट के किस सर्विसेज को प्रीफर करता है, वो वैल्यू को ज़्यादा प्रीफर करता है पैसे को, कि प्रोडक्ट के फीचर्स या सर्विसेज ज़्यादा प्रीफर करता है। तो इन चीज़ों से हमें ये जानने को मिल जाता है जब हम कहीं कॉल लगाते हैं किसी कस्टमर को, ये जानने की कोशिश करते हैं। अगला जो है बच्चों वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस। तो वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस क्या है कि एक हम वेबसाइट बना दिए हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली हर चीज़ों को जान लो, हमें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है या हमसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारे इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे दिए हुए हैं। तो ये एक तरीके का वेबसाइट है जो कि आपके लिए बनाया गया है, ताकि आप सेल्फ खुद से सारी चीज़ों को रिसर्च कर सकें, किस तरह के प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं या किस तरह का मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है, हम क्या क्या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हमारे सर्विस कैसी है, इन सारी चीज़ों का स्टडी जो आप करते हैं, रिसर्च करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो इन चीज़ों को रिसर्च करते हैं, जब वो कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तब ये रिसर्च वो करते हैं कि ये कंपनी कितनी पुरानी है, ये कंपनी का फीडबैक कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, ये किस तरह के प्रोडक्ट्स को देता है। जैसे कि एप्पल अपने सारे प्रोडक्ट्स बताता है कि हम बहुत ही वैल्यूबल ब्रांड्स को देते हैं, तो हम ये रिसर्च कर लेते हैं कि आखिर ये कंपनी जो है इतनी वैल्यूबल क्यों है, ये ब्रांड इतनी वैल्यूबल प्रोडक्ट्स को क्यों बना रही है, इन चीज़ों के ऊपर जो रिसर्च किया। तो ये क्या है बच्चों, ये सेल्फ सर्विस है जो कि कंपनी ने प्रोवाइड कराया है एक वेबसाइट के जरिए। तो वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस में ये चीज़ें आ जाती हैं। अगला जो है बच्चों टर्मिनोलॉजी प्रिडिक्टिव डायलिंग। तो प्रिडिक्टिव डायलिंग में क्या होता है बच्चों, ये पहले से ही प्रिडिक्टेबल होता है, जो डाटा इसको दिया जाता है ये एक रोबोट की तरह है, प्रोग्राम है जो कि आपको ऑटोमेटिकली फ़ोन ट्रांसफ़र कर देगा। अगर आप फ़ोन लगाए हैं सर्विस सेंटर पे, आपको अगर मैनेजर से बात करना है या सेल्स टीम से बात करना है या मार्केटिंग टीम से बात करना है या सपोर्ट टीम से बात करना है, तो ये क्या करेगा, उसको ट्रांसफ़र कर देगा ऑटोमेटिकली, बिना कुछ पूछे या बिना कुछ कहे। तो ये एक प्रोग्राम्ड टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ किया जाता है आजकल सारे बिजनेसेस में, ताकि हम इफेक्टिव सर्विस दे सकें कंज्यूमर को, उनका टाइम ना वेस्ट हो। तो आप प्रिडिक्टिव डायलिंग समझ चुके होंगे बच्चों क्या है। अब अगला जो टर्मिनोलॉजी है वेव फॉर्म्स। तो वेव फॉर्म्स क्या है बच्चों, वेव फॉर्म्स एक पेज है जो कि यूजर रिक्वेस्ट के हिसाब से ब्राउजर में दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी पेज को खोलें और हमें सपोर्ट टीम के पेज पे जाना है, तो ये एक कोड के फॉर्म में लिखा जाता है ताकि डायरेक्टली हम
उस पॉइंट पे जा सकें, उस पेज पे जा सकें। अगर हम वेबसाइट खोलते हैं बच्चों, जैसे हम एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं या कंपनी का फॉर्म भरते हैं, तो हम वहाँ पे पहले वेबसाइट खोलेंगे, उनके डिटेल्स में जाएंगे, मेनू में जाएंगे, वहाँ से एक एक चीज़ को सर्च करेंगे, फिर कैरियर में जाएंगे, वहाँ से एप्लीकेशन में जाएंगे, फिर वहाँ से फॉर्म भरेंगे। तो ये क्या करता है कि वे फॉर्म से एक एक पेज बना लेता है, एक एक पेज डिजायर्ड पेज, ताकि हम डायरेक्टली लॉगिन पेज पे पहुँच सकें। जैसे आपको कभी कभी आता है कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग करने के लिए एक लिंक आ जाता है, तो उस लिंक से आप डायरेक्टली लॉगिन पेज पर जा सकते हैं। तो वही जो जनरेटेड वेब फॉर्म है वही कहलाता है वेब फॉर्म। वेबसाइट क्या हो गया, जो सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई उसमें, बाहर की जो चीज़ें हैं वो वेबसाइट हो गई, जो एक एक पेज जो उसमें बनाया गया है वो वेब फॉर्म्स हो गए, जो कि कंबाइन होते हैं वेबसाइट में। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बच्चों ECRM। तो ECRM में क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसे है, इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी जो कि ईमेल्स में की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक CRM का इस्तेमाल किया जाता है ईमेल्स को मैनेज करने के लिए, वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है, चैट रूम्स को करने इस्तेमाल किया जाता है, फोरम्स को इस्तेमाल, और अदर चैनल्स, ताकि हम CRM के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। जो भी CRM का मकसद है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर को रिटेन रखना, इन चीज़ों के, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है CRM का, कि कस्टमर हमें छोड़ के कहीं ना जाए, वो हमसे इतना संतुष्ट हो जाए कि हमारी सर्विस उसको अच्छी लगे। तो ये जो CRM के ऑब्जेक्टिव हैं, इसको अचीव करने के लिए ये इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है ECRM, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बच्चों। तो इट इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस ऑफ CRM दैट ऑटोमेट द प्रोसेस इन मार्केटिंग सेल्स एंड कस्टमर सर्विस, जो कि मार्केटिंग सेल्स और कस्टमर सर्विस के प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है, ऑटोमेटिकली कर देता है। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से यही बेनिफिट होता है। आजकल हर एक जो इंटरनेट बेस्ड कंपनियां हैं इसका इस्तेमाल कर रही हैं बच्चों। अगला टेक्नोलॉजी है मेटा टैग। तो मेटा टैग क्या है बच्चों, मेटा टैग एक टैग है जो कि हम लोग वेबसाइट बनाते समय करते हैं, ताकि हम लोग परफेक्ट जगह पहुंच सके। जैसे हम लोग यूट्यूब जो वीडियो देखते हैं तो उसमें टैग दिए जाते हैं अलग अलग, ताकि हम जब उस चीज़ को सर्च करें तो वही वीडियो मेरे पास डायरेक्ट आ जाए। तो ये जो टैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों, यही है मेटा टैग, जो कि वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे मेटा टैग इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यूट्यूब में टैग इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से वेबसाइट में मेटा टैग इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन यू यूज टू टेल द सर्च इंजन, यानी कि आप सर्च इंजन को ये बताने के लिए एक टैग लगाते हो, ताकि जो व्यूअर्स है उस साइट को देख सके, उस पेज जो कंटेंट्स आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया उसको देख सके। जैसे कि यूट्यूब में टैग लगाया जाता है, CRM लिख के आप सर्च करते हो तो डायरेक्टली आ जाता है, या DFCCIL लिख के सर्च करोगे तो आ जाएगा, जो जो वीडियो से जुड़े हुए हैं। तो ये टैग्स लगाए जाते हैं बच्चों, इसी तरीके से वेबसाइट में मेटा टैग लगाया जाता है। अगला जो टर्मिनोलॉजी है कस्टमर इन्फ्लुएंसर वैल्यू। तो कस्टमर इन्फ्लुएंसर वैल्यू क्या है बच्चों, कस्टमर इन्फ्लुएंसर वैल्यू एक मैट्रिक है जो कि वर्ड ऑफ माउथ के जरिए से किया जाता है, यानी कि आपने कंपनी का कैसा प्रमोशन किया है या उसका ब्रांडिंग किस तरीके से किया है, जो कि कंपनी तो करती है ब्रांडिंग बच्चों, पर कस्टमर्स जो होते हैं जब वो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं और उससे बहुत ही खुश हो जाते हैं, तो अपने वर्ड ऑफ माउथ के जरिए से इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे को। इससे क्या होता है कि आपकी कंपनी का वैल्यू बढ़ता है, आपके प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता है, और कस्टमर के लाइफ में वैल्यू को ऐड करता है। उस तरीके के प्रोडक्ट्स को कस्टमर इन्फ्लुएंसर वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग करते हैं। तो ये क्या है बच्चों कि जो भी कस्टमर अपने वर्ड ऑफ माउथ के जरिए से इन्फ्लुएंस कर रहा है कस्टमर को, तो वो कहलाता है कस्टमर इन्फ्लुएंसर वैल्यू। जैसे कि दिस इज डन थ्रू अ डेवलपमेंट ऑफ CIV मैट्रिक दैट कैलकुलेट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल्स वर्ड ऑफ माउथ ऑन अ फ्यूचर सेल, फ्यूचर सेल पे डिपेंड होता है ये। दिस कंपेन वॉज अफेक्टिव एट बोथ कंपनी एंड द कस्टमर लेवल, दोनों के लिए फायदेमंद है वर्ड ऑफ माउथ जो किया जाता है, वर्ड ऑफ माउथ से जब भी इन्फ्लुएंस किया जाता है बच्चों। अगला जो टर्मिनोलॉजी है कस्टमर सर्विस परस्पेक्टिव। तो कस्टमर सर्विस परस्पेक्टिव क्या होता है बच्चों, ये एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट है जो कि एम होता है सारे स्टाफ पे जो भी हम कस्टमर सर्विस दे रहे हैं। तो जब हम कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो किन किन बातों को देखेंगे हम, उन पीपल्स को जो भी मैंने वहाँ रखा हुआ है कस्टमर सर्विस देने के लिए। तो सर्विस टीम जो होती है, जो हम एक टीम बनाते हैं कंपनी में, जो टीम बनाई जाती है, तो उस टीम में क्या क्या खासियत होना चाहिए,
किन किन चीज़ बातों को हमें ध्यान रखना होता है। तो हम लोग 8 बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि उसके बिहेवियर्स कैसे हैं, 8 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चों, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है और उनका वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, न्यूमेरिकल प्रोफेशंस कैसा है और वो कस्टमर केयर को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए जो कि कस्टमर सर्विस टीम के पास होती है। तो जो भी कस्टमर सर्विस टीम हम असाइन करते हैं तो उन टीम के पास, उन लोगों के पास ये खासियत होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर को अच्छे से सपोर्ट कर पाएँ, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएँ। तो ये जो है कस्टमर सर्विस परस्पेक्टिव में आता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ऑब्जेक्ट डाटाबेस। तो ऑब्जेक्ट डाटाबेस क्या होता है बच्चों, जो भी डाटा हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखे हुए हैं ताकि उसको हम अचीव कर सकें, उसको स्टोर कर सकें या उसको एग्जिस्टिंग जो डाटा है हमारे पास उसको मॉडिफाई कर सकें, तो ये किसके थ्रू किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू किया जाता है, ODBMS, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके होता है बच्चों। तो जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं प्रोडक्ट को, स्टोर करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं या उसे रिप्लिकेट करते हैं या यानी कि रिफॉर्म करते हैं, उसकी डुप्लीकेसी बना देते हैं या फिर हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी पहले से ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ताकि हम न्यू ऑब्जेक्ट बना सकें विद इन द ODBMS। तो ODBMS आप समझ गए होंगे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। तो इसके लिए स्पेशल टीम होती है जिसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर कहा जाता है, जो कि प्रोडक्ट्स को डेवलप करता है, उसे स्टोर करता है और जो ऑब्जेक्ट्स पहले से मौजूद हैं उसे मॉडिफाई करता है न्यू प्रोडक्ट में, न्यू ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट्स मार्केट में हैं उसकी हम डुप्लीकेट कॉपी बना सकें वो भी ये काम करता है। तो इसे एकदम आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों, इससे अगर क्वेश्चन आए तो इसे डायरेक्टली आपको जवाब देना है, एकदम आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है बच्चों, एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनते जाइए। अगला जो है बच्चों टर्मिनोलॉजी, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डाटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है RDBMS, ये एक तरह का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डाटा को रो बेस्ड टेबल में स्टोर करता है, जो कि एक दूसरे से डाटा जुड़े हुए होते हैं, रिलेशन होते हैं उसमें। जैसे कि हमने कॉलम में क्या करते हैं, सिंगल टर डाटा को स्टोर करते हैं, तो रो में पहले से हम लोग डिजाइन करते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं जो कि रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम में आता है। इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा बनी रहती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कस्टमर इन्फ्लुएंसर वैल्यू। तो ये सेम चीज़ है बच्चों जो मैंने हम लोगों ने पीछे पढ़ा, अभी ये हमारे टीम के द्वारा गलती हुई है। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है 3-डायमेंशनल CRM। तो डायमेंशंस होते हैं CRM के हर एक चीज़ों के लिए, या आप कोई भी चीज़ लो हर एक का डायमेंशंस होता है बच्चों। तो CRM के भी 3 डायमेंशंस होते हैं, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो पीपल्स में वो आ गए जो हमारे कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो स्टाफ हो गए चाहे वो कस्टमर है, वो सारे आ जाएंगे उसमें। और प्रोसेस है बच्चों, जो भी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है हमें सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, चाहे हमारा स्टाफ हो चाहे हमारा कस्टमर हो, वो प्रोसेस में आ जाते हैं। और टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने CRM को रन करने के लिए, तो जो CRM है ये 3 डायमेंशंस पर रन करता है, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। अगला जो टेक्नोलॉजी है नेक्स्ट बच्चों, वो है बैलेंस स्कोर कार्ड। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है बच्चों, ये एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो कस्टमर का हो, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, इनका मैट्रिक्स कैसा चल रहा है, अप जा रहा है कि लो जा रहा है, ये ग्रोथ को एब्जॉर्ब करता है ताकि अपने बिजनेस को हम कंट्रोल कर सकें, अपने रिजल्ट्स और आउटकम जो भी हैं उसको इम्प्रूव कर सकें। तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड बना दिया जाता है बच्चों परफॉर्मेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ब्रांड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ब्रांड नहीं है, ये ब्रांड है, BRAND, ब्रांड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि पहले इस्तेमाल किया जाता था CRM के पहले, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के पहले, लेकिन अब जो है कंपनियां इसका इस्तेमाल नहीं करती हैं, अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का इस्तेमाल करती हैं। तो यहां पे भी इसका हम लोग को पढ़ना है बच्चों, ये क्या है, किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो जो ब्रांड रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये अलाउ करता है किसी भी बिजनेस को कॉन्स्टेंटली कस्टमर से रिटेन रहने के लिए, इंगेज रहने के लिए। इट इंटेंड्स टू क्रिएट अ
ह्यूमन लाइक रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांड एंड द कंज्यूमर, यानी कि ब्रांड जो है वो कंज्यूमर उन दोनों के बीच में रिलेशन को मेंटेन करना है हमें। इसका अप्रोच ही यही होता है ब्रांड मैनेजमेंट का कि दैट ट्रेडिशनल रेवेन्यू मैनेजमेंट इनटू अ रियल कस्टमर सेंट्रिक रेवेन्यू मैनेजमेंट, ताकि हम कस्टमर से रेवेन्यू को जनरेट कर सकें और अपनी कंपनी में वैल्यू ऐड कर सके। तो हमारा ब्रांड इतना अच्छा होना चाहिए कि कंज्यूमर उससे सेटिस्फाइड रहे। तो ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल पहले किया जाता था बच्चों, लेकिन अब जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड प्रोग्राम का इस्तेमाल होता है, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो है हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, कस्टमर वैल्यू। तो कस्टमर वैल्यू क्या होता है बच्चों? ये डिफाइन करता है कि बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट ऑफ कस्टमर डिराइव फ्रॉम अ सर्विस और अ प्रोडक्ट एंड द कस्टमर एफर्ट, यानी कि जो हम सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को या प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो जो उसे लाभ मिल रहा है, कितना एफर्ट लगाया उस प्रोडक्ट को पाने के लिए, जो भी एफर्ट हम प्रोडक्ट्स को लेने के लिए लगाते हैं या प्रोडक्ट्स को अचीव करने के लिए, उससे जब हम प्रॉफिट लेते हैं तो वो कहलाता है कस्टमर वैल्यू। जैसे हमने 100 रुपये का तेल खर्च किया अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और 100 रुपये का प्रोडक्ट था तो 200 रुपये हो गए, और उससे बेनिफिट जो हम ले रहे हैं वो मेरा 1000 रुपये का बेनिफिट है, तो वो कस्टमर वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो कस्टमर वैल्यू आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है बच्चों कस्टमर डिलाइट। तो कस्टमर डिलाइट क्या होता है बच्चों? ये कब होता है, कस्टमर कोई भी डिलाइट कब होगा? जब हम उसे सरप्राइज कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्टेशन, मतलब जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया है वो चीजें उसको हम दे देंगे, तब हमारा कस्टमर जो है वो डिलाइट हो जाता है, बहुत ही हैप्पी हो जाता है, यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपने अपर लेवल का रीच कर लिया है। देखिए अब हम लोग समझते हैं डाटा मार्ट सीआरएम में कैसे इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। डाटा वेयर हाउस हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि जो डाटा वेयर हाउस है डाटा का गोदाम है। अब उस गोदाम में जब डाटा हमारे पास इकट्ठा है तो हर एक फील्ड से जुड़ी हुई डाटा हमारे पास है, चाहे वो कस्टमर की डाटा हो, चाहे वो स्टाफ की डाटा हो, चाहे वो प्रोडक्ट की डाटा हो। तो जब हमें किसी स्पेशल डाटा के ऊपर रिसर्च करना होगा, एनालिसिस करना होगा, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डाटा की देखना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बिक रहा है, या उसका इन्फॉर्मेशन को ऊपर एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और बहुत ही बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएंगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए कंपनी क्या करती है बच्चों कि डाटाज का सेगमेंटेशन करती है, उसी का नाम है डाटा मार्ट, जो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स में एक पर्टिकुलर डाटा को अरेंज किया जाता है। तो डाटा मार्ट जो है वो सब डिविजन्स है डाटा वेयर हाउस का, या आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी कि सबसेट है। जैसे कि मान लीजिए सेल्स टीम हो गई, फाइनेंस टीम हो गई, या मार्केटिंग टीम हो गई, प्रोडक्शन टीम हो गई, कस्टमर्स हो गए, तो इन चीज़ों के ऊपर एक डाटा मार्ट बना लेते हैं हम लोग, ताकि किसी भी पर्टिकुलर के ऊपर अगर हमें रिसर्च करना होगा, एनालिसिस करनी होगी, तो हम वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं बच्चों कि जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, तो वहाँ पे हर एक चीज़ों का टैग लगा होता है कि जो ग्रॉसरी की चीज़ें हैं वो यहाँ पे है, सर्फ एक्सेल और साबुन जितनी भी धोने की चीज़ें हैं वो वहाँ पे, साबुन से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ लगा के रखे हैं हम, और जो हमारा खाने की चीज़ें हैं वो अलग लगा के रखे हैं, और जो वेजिटेबल्स हैं वो अलग लगा के रखे हैं। तो इससे क्या होता है, किसी भी कस्टमर को किसी पर्टिकुलर जगह में जाने में आसानी होती है। एक ही चीज़ मसअप नहीं होता है बच्चों, तो एक परफेक्ट अरेंजमेंट जो होता है वो यहाँ पे की जाती है डाटा मार्ट में, डाटा वेयर हाउस में, डाटा मार्ट के रूप में ये अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, ताकि जब कोई भी मैनेजर या कोई भी सीईओ या मार्केटिंग टीम हमारे डाटा के ऊपर एनालिसिस करेगी तो उसे पर्टिकुलर डाटा वहाँ से मिल सके, एक परफेक्ट डाटा मिल सके। ये हमारे लिए बहुत ही कॉस्ट अफेक्टिव डाटा होता है बच्चों, इससे हमारा बहुत ही पैसा बचता है और बहुत ही टाइम बचता है, जिससे हमारा बिजनेस जो है बहुत ही इफ़िशेंटली रन करता है। तो सीआरएम में हमें इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ करना होता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बहुत ही खूबसूरती से डाटा मार्ट डिज़ाइन यहाँ पर किया गया है। ये डिविजन्स जो बनाए गए हैं डाटा मार्ट है, और यहाँ पर आप लोग देखिए बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास डाटा वेयर हाउस है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, फाइनेंस है, सप्लाई चेन है, तो यहाँ पे डाटा वेयर हाउस में सब डिवीजन करने का हमें ये प्रॉफिट होगा कि अगर हम सप्लाई चेन के ऊपर स्टडी करना चाहेंगे तो डायरेक्टली हम सप्लाई चेन में जाकर डाटा को स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से डाटा मार्ट में स्टडी की जाती है। तो जो भी डाटा वेयर हाउस हम बना के रखे हैं बच्चों, तो डाटा वेयर हाउस तो डाटा का गोदाम है, डाटा मार्ट हमारा सब डिवीजन है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हम लोगों के लिए। इसे आप लोगों को एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोग को एकदम एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। देखिए
अब हम लोग समझते हैं सीआरएम फनल क्या है बच्चों। तो सीआरएम फनल जो है बच्चों एक सेल्स मेथड है जो कि बिजनेस जो ऑनर्स होते हैं या कंपनी के जो ऑनर होते हैं उन लोग के लिए एक ट्रैक रिकॉर्ड का काम करता है। ये मेथड बनाने के लिए हमें बहुत ही सीआरएम का सॉफ्टवेयर चाहिए बच्चों, बहुत ही गुड सॉफ्टवेयर होना चाहिए ताकि हम सीआरएम फनल बना सकें, जिससे हमारे पास जो डाटा मौजूद है, डाटा वेयर हाउस हो चाहे डाटा मार्ट हो, सारे डाटाज को ट्रैक करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद हम सीआरएम फनल को बना सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को हम किस तरीके से मार्केट में लॉन्च करेंगे। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अवेयरनेस यानी कि प्रोडक्ट को अवेयर कराते हैं, मार्केटिंग कंपेन करते हैं, फिर उसके बाद लीड्स को कैप्चर करते हैं, फिर उसके प्रोस्पेक्ट्स को समझते हैं और मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स वहां पर चली जाती है। तो ये मार्केटिंग के अंदर आता है। अब ये चीज़ें जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में जाएगी, सेल्स क्वालिफाइड लीड में कन्वर्ट हो जाएगा और अपॉर्चुनिटीज लीड्स में आ जाएगा, उसके बाद ये कस्टमर के पास पहुंच जाएगा। यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं उसके बारे में एक सीआरएम फनल बनाना होता है। जो भी हम सीआरएम का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही सीआरएम का सॉफ्टवेयर अच्छा इस्तेमाल करना होता है, गुड सीआरएम सॉफ्टवेयर जो कि सीआरएम फनल बनाने में हमें हेल्प करता है, ताकि अपने प्रोडक्ट को जब मार्केट में लॉन्च करें तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जो भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं ये कैसे मालूम चलेगा कस्टमर्स को कि ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो उसके लिए मार्केटिंग कैंपेन्स की जाती है, अवेयरनेस फैलाई जाती है, उसके बाद हम लोग लीड कैप्चर करते हैं, यानी कि जो भी इंटरेस्टेड हैं बिना किसी चीज़ को देखते हुए जो कस्टमर पहले से ही उस चीज़ का डिमांड कर चुके हैं वो लीड कैप्चर हम लोग करते हैं, फिर उसके प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास डिमांडेबल है, अवेलेबल है, फिर ये मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स में कन्वर्ट हो जाती है और मार्केटिंग टीम के पास चली जाती है। उसके बाद वो जो है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं सेल्स क्वालिफाइड लीड के पास और ये अपॉर्चुनिटी लीड में कन्वर्ट हो जाती है और कस्टमर तक पहुँच जाती है। तो इस तरीके से फनल होता है बच्चों। तो इस तरीके से हमें क्या होता है कि किसी भी बिजनेस ऑनर्स को ये एक ट्रैक रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, कन्वर्जेशंस हो गया, प्रमोशंस हो गया एंड मेनी मोर। इट अलाउज टू आइडेंटिफाई हु इज़ विलिंग टू बाय योर प्रोडक्ट एंड हु इज़ नॉट रियली इंटरेस्टेड। हमें इससे ये हेल्प मिलता है जब हम अवेयरनेस, जैसे मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस फैलाने से क्या होगा कि जो मार्केट में कस्टमर पहले से डिमांडेबल प्रोडक्ट्स का कर चुके हैं, अगर वो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है तो वो तुरंत है। जैसे आपने कहते हैं हम लोग जब अवेयरनेस, जब हम प्रोडक्ट्स को लाने होते हैं, जैसे मान लीजिए जब रियलमी अपना फ़ोन लॉन्च करता है या रेडमी अपना फ़ोन लॉन्च करता है तो प्री बुकिंग होता है, प्री रजिस्टर होता है, यानी कि जो कस्टमर पहले से ही उस चीज़ को खरीदना चाह रहे हैं, अच्छा फ़ोन या उस फीचर्स के फ़ोन को डिमांड में है उनके तो वो क्या करते हैं, जब देखते हैं कि उनका मनचाहा प्रोडक्ट आ रहा है तो कंपनी क्या करती है उसकी अवेयरनेस पहले से फैला जाती है, बिना प्रोडक्ट्स को बनाए हुए लॉन्चिंग किए हुए पहले से अवेयरनेस करने लगती है। तो जो भी प्री बुकिंग होती है वो तो डायरेक्टली बिक जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट में इसका इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जो बायर्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो भी हम लोग को पता चल जाता है कि कौन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है फिर वो कन्वर्ट होते हैं, लेकिन टाइम लगता है। तो यही चीज़ हमें ये ट्रैक रिकॉर्ड रखने में किसी बिजनेस में हेल्प करता है बच्चों। ये प्रोसेस है ताकि हम लीड्स को कन्वर्ट करें, अपने बिजनेस को इंटरेक्ट करके पेइंग कस्टमर्स में कन्वर्ट करें और अबाउट मेंटेन रिलेशनशिप आफ्टर द सेल एंड कंटिन्यूअली प्रोवाइडिंग द वैल्यू, अपनी कस्टमर को वैल्यूएबल प्रोडक्ट हम दे सकें, कस्टमर के लाइफ में वैल्यू को ऐड कर सकें। तो ये सीआरएम फनल हमें बहुत ही हेल्प करता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसके स्टेजेस होते हैं। तो इसके चार स्टेजेस हैं बच्चों। पहला है अवेयरनेस स्टेज, दूसरा है इंटरेस्ट स्टेज, और तीसरा है डिसीजन स्टेज, और लास्ट है एक्शन स्टेज। तो अवेयरनेस स्टेज में हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लीड्स जो हमें मिली हुई है हमारे बिजनेस में उस पर हम बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये आया हुआ है, ये प्रोडक्ट है, हम ये ऑफर्स दे रहे हैं, इसमें 10% का डिस्काउंट है, अगर आप HDFC बैंक से ट्रांजेक्शन करोगे तो इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, एक्सिस बैंक से करोगे तो इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, ATM से डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से करोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह की अवेयरनेस को जब फैलाया जाता है मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले, तो ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, ताकि जो भी कस्टमर पहले से ही डिमांडिंग में प्रोडक्ट हमारा है, जो कस्टमर उससे भी अच्छा प्रोडक्ट चाह रहा है, जो पहले से वो इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट मालूम चलता है कि कितने पीपल्स
हमारे पास इंटरेस्टेड हैं पहले से, उस तरीके से प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट्स है वो तो लॉन्च होते ही बिक जाएगा जो पहले से इंटरेस्ट दिखाए हुए हैं। तो इसी तरीके से अगला जो स्टेज है वो इंटरेस्ट स्टेज है, यानी कि किन किन लोगों ने प्रोडक्ट्स या सर्विस पे इंटरेस्ट लिया है। तो ये इंटरेस्ट स्टेज में अवेयरनेस के बाद इंटरेस्ट आता है, उसके बाद अगला जो स्टेज है वो डिसीजन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब प्रोस्पेक्ट जो है हमारा वो डिसीजन ले लेता है प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, तब आती है एक्शन की बारी। तो एक्शन स्टेज में क्या होता है बच्चों, कस्टमर मेकअप हिज माइंड एंड फाइनलाइज हिज डील विथ यू, मतलब अपना डील फाइनल कर लेते हैं कि अब हमें प्रोडक्ट लेना ही है। जब प्री बुकिंग कर लिया, प्री रजिस्टर कर लिया, इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा और वो खरीद लेगा। तो इसी तरीके से हम ये चार स्टेजेस में किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए CRM फनल को बनाते हैं, और ये स्टेज बहुत ही हेल्पफुल है। आजकल हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। आई होप जो भी CRM के स्टेजेस हैं वो समझ गए होंगे। चार स्टेज से CRM गुजरता है बच्चों, जो भी फनल हम बनाते हैं CRM के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, चार स्टेज में गुजरता है। पहला अवेयरनेस है, फिर इंटरेस्ट है, फिर डिसीजन है, फिर एक्शन है। अब हम लोग देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं CRM फनल के। तो CRM फनल हमें ये हेल्प करता है किसी भी कस्टमर या बायर के नीड्स को समझने में, ताकि अपने प्रोडक्ट्स को हम इम्प्रूव्ड मैनर में लॉन्च कर सकें। ये हमें ये हेल्प करता है बच्चों कि हम जो कस्टमर से इंटरेक्ट हो रहे हैं, हमारे इंटरेक्शन को वो इम्प्रूव करता है, हमारे बीच का कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, कंज्यूमर्स हमसे खुश होता है। तो जब हम CRM फनल को बना लेते हैं बच्चों, तो हम कस्टमर के नीड्स को पहले से समझ जाते हैं कि कस्टमर की ज़रूरत क्या है, क्या मार्केट में डिमांड है, क्या वो चाह रहा है। तो जब हम उस तरीके के प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं, जब कोई भी कंपनी उस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं की होती है, तो कस्टमर से हमारे कंपनी का अटैचमेंट या रिलेशन बढ़ जाता है। तो यही बिल्ड करने में फाउंडेशन को हेल्प करता है, फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है किसी भी कंपनी को, कि आप बायर्स के या कंज्यूमर्स के नीड्स से के हिसाब से प्रोडक्ट्स को बनाएं, और जो मार्केट में नहीं अवेलेबल है उसके पहले ही उसको आप अवेलेबल करा दीजिए। तो ये चीज़ें हमारे ये हेल्प करता है, और हमें ये हेल्प करता है कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में। जो भी उसके बाइंग पैटर्न्स हैं उस चीज़ को हम समझ जाते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर किस तरह का है, और हम किस तरह के प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमें प्रॉफिटेबल लीड्स जनरेट करने में हेल्प करता है, ताकि हम अपने सेलिंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकें, परफेक्ट सेलिंग कर सकें, और हमारे सेल्स को बूस्ट करता है एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू, जो हमारे सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारा सेल्स जो है मार्केट में बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो। तो देखा आपने बच्चों कि कितना इफ़ेक्टिव है ये CRM फनल किसी भी बिजनेस के लिए। तो आज के टाइम में हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है बच्चों। देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि बाइंग बिहेवियर कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों। तो बाइंग बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि हम जब किसी प्रोडक्ट्स को लेने जाते हैं तो किस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं। जब हम महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो किस तरह का बिहेवियर होता है हमारा। जब हम सस्ते प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो किस तरह का बिहेवियर होता है। जब हम डेली चीज़ों को खरीदते हैं तब कितने, जो हमारे लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं तो किस तरह का बिहेवियर होता है। तो जो बिहेवियर हम दिखाते हैं बच्चों, इससे हमको ये मालूम चलता है कि हमारा इंटरेस्ट जो है किस प्रोडक्ट के प्रति ज़्यादा है, या किस चीज़ों के लिए कितने कस्टमर्स अवेलेबल है मार्केट में, इससे हमें ये मालूम चलता है। तो कंज्यूमर लेवल हमें डिफाइंड होता है, बिहेवियर लेवल डिटरमाइन कर पाते हैं, या परचेज के डिसीजंस किस तरीके से कंज्यूमर ले रहा है उन चीज़ों को हम डिसाइड करते हैं। तो ये चार टाइप्स के होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, और हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, और वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। तो ये चारों टाइप्स जो होते हैं बच्चों, हाई इन्वॉल्वमेंट जो है, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स और डिसोनेंस रिड्यूसिंग में होता है, और लो इन्वॉल्वमेंट यानी कॉम्प्लेक्स और वैरायटी सीकिंग में होता है, और लो इन्वॉल्वमेंट जो है वो वैरायटी सीकिंग बिहेवियर और हैबिचुअल बिहेवियर में होता है। तो जो भी प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं तो किनका किसका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से है बच्चों, एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो पहला है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है बच्चों क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट्स को हम जब खरीदने जाते हैं तो हमें रिस्क लगता है। रिस्क यानी कि जब हम किसी महंगे प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, अगर हम कार खरीद रहे हैं तो 10 लाख की कार खरीदेंगे तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को कंज्यूमर्स ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और वो कई लोगों से पूछेंगे कि हाँ ये चीज़ खरीद लें कि नहीं खरीद लें, ये अच्छा है कि नहीं है। तो जब महंगी चीज़ हम खरीद रहे होते हैं बच्चों, तो बहुत ही हमारा माइंड कन्फाइंड हो जाता है इस चीज़ों पे कि हम जो ले रहे हैं प्रोडक्ट क्या वो अच्छा है या नहीं है। अगर हमें कॉफ़ी पीना है या सस्ते प्रोडक्ट, उसके लिए उतना हम लोग नहीं सोचते हैं,
लेकिन जब हम महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं या महंगे ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं तो हम ये जरूर प्रेफरेंस देते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है। जिस तरीके का बाइंग पैटर्न आप लोग देखते होंगे डेली लाइफ में, आपने भी इसको महसूस किया होगा। जब आप महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदने जाते हो तो आप ये सोचते हो कि कई दोस्तों से पूछते हो या अपने फैमिली मेम्बर से पूछोगे कि हाँ ये ले लें, ये अच्छा है कि नहीं। तो एक तरीके से ये लर्निंग प्रोसेस है बच्चों, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी से गुजरता है। आखिर में वो लेना ही है, प्रोडक्ट्स वो लेंगे, जब कस्टमर को वो भा जाएगा। तो हम जब दुकानों में जाते हो, आपने देखा होगा कि जब हम टी शर्ट लेने गए तो हमें हमारा जो बजट है वो 500 का बजट है, हमने 500 का टी शर्ट लिया। जब उसने हमें 1000 का टी शर्ट दिखाया या 2000 का टी शर्ट दिखाया तो उसका कपड़ा छूने के बाद हमें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। तो हम क्या देखें बच्चों कि उसको बोलते हैं सामने वालों को कि भैया इसको हम ले के जाएंगे या आप रखे रहिएगा। तो इससे ये क्या होता है, एक लर्निंग प्रोसेस, हम सीख रहे होते हैं मार्केट में। तो एक्चुअली ये बिकता नहीं है, लेकिन वो बिकेगा बाद में। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कहा गया है। अगला जो है बच्चों, डिजोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो डिजोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर में क्या करते हैं, जो भी लिमिटेड प्रोडक्ट्स है तो इसमें फोर्स किया जाता है हम कंज्यूमर्स को ताकि वो खरीद ले, क्योंकि उसमें चॉइस अवेलेबल नहीं है, कोई भी चॉइसेस नहीं है, लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं तो डिसीजंस लिमिटेड हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स जो भी अवेलेबल है मार्केट में, टाइम की लिमिटेशंस है और जो बजट है हमारे पास, उसके आधार पर जो प्रोडक्ट्स फिट बैठेगा सारे रिसर्च करने के बाद उस प्रोडक्ट को हम ले लेंगे। तो ये जो है ये लिमिटेड प्रोडक्ट्स की खरीदारी के लिए किया था। जैसे कि अगर हम रिंग खरीद रहे हैं, डायमंड रिंग अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो डायमंड तो मार्केट में बहुत है, लेकिन जो उसकी डिजाइनिंग की गई, अगर हम रिंग खरीदेंगे तो क्या सब तो एक ही तरह का लगेगा लगभग। तो हम अपना बजट देखेंगे कि हमारा बजट कितना है। अगर हमारा 1 लाख का बजट है तो हम उस हिसाब से रिंग लेंगे, अगर हमारा 2 लाख का बजट है तो उस हिसाब से लेंगे। तो लिमिटेड प्रोडक्ट अवेलेबल मार्केट में होने से यही होता है बच्चों कि उतना टाइम तो हम उसमें वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि हर जगह जाएं, जहां भी। अब मान लो कि अगर हम हर जगह जाएंगे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, 500,000 रुपया। तो उन चीजों को एलिमिनेट करके हम टाइम का बचत करके अपना बजट देखते हैं और प्रोडक्ट को ले लेते हैं अपने प्रोडक्ट के, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगला जो है बच्चों, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। तो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर का मतलब जो भी डेली यूज की चीजें हैं, जो हम लो इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें डिसीजंस में, क्योंकि देखो बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि व्हेन कंज्यूमर्स आर बाइंग प्रोडक्ट दे यूज देयर डेली रूटीन। जो डेली यूज कर रहे हैं तो लॉट्स ऑफ थॉट होते हैं उसके प्रति, अरे ये है वो है, फेवरेट जो ब्रांड है उसी को प्रेफर करेंगे, जो वो ब्रांड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को प्रेफर करेंगे। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होता है, इसमें बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट होता है कंज्यूमर का। जो कोई भी प्रोडक्ट, अगर हम इंडिया गेट बासमती राइस खा रहे हैं तो वही खाएंगे, और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे। इसी तरीके से ब्रांड प्रेफरेंस इसमें आ जाता है, इसीलिए इसमें लो इन्वॉल्वमेंट होता है। अगला होता है बच्चों वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। यानी कि वैरायटी सीकिंग का मतलब है कि अगर हम चिप्स खरीदने जा रहे हैं तो लेज का अगर हम चिप्स ले रहे हैं तो उसमें टमाटो है, फ्लेवर्ड है, या फिर चिली फ्लेवर्ड है, या स्पाइसी फ्लेवर है। तो इन सारे फ्लेवर्स को खरीदने के बाद हम ये देखते हैं कि दूसरे कंपनी का बिकानों का क्या है और बीकानेर का क्या है। तो इस तरीके से कुरकुरे का जो पैटर्न मतलब फ्लेवर है, तो इन चीज़ों को हमें वैरायटी जब अवेलेबिलिटी होती है तो हम अलग अलग तरह, अरे ये तो खाया था कल हमने, अरे हम इसको खा के देखते हैं ये कैसा है, या इसको हमने तो इसको तो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, या ये तो ऐसा है, दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं। तो वैरायटी अवेलेबिलिटी होने से क्या होता है कि ब्रांड स्विचिंग बहुत जल्दी होती है इसमें बच्चों, कंज्यूमर्स बहुत जल्दी स्विच कर लेते हैं और ब्रांड इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ही लो होता है। तो जो भी परफेक्ट होगा, जो उसको सेटिस्फाई होगा, उसी तरीके से प्रोडक्ट को लेगा वो। जनरली बाय डिफरेंट प्रोडक्ट नॉट बिकॉज ऑफ डिस, बट मेनली विथ अ अर्ज ऑफ सीक वैरायटी। मतलब इसमें कस्टमर डिससेटिस्फाई इस वजह से नहीं होता है कि प्रोडक्ट्स अच्छा नहीं है या प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कस्टमर स्विच इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वैरायटीज अवेलेबल है मार्केट में, इतनी सारी वैरायटीज आ चुकी है हर चीज़ की। हम टी शर्ट लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कितनी वैरायटी है, अगर हम साबुन लेने जाएंगे तो कितनी वैरायटी है, शैम्पू है तो कितनी वैरायटी है। तो प्रोडक्ट को स्विच करना यहाँ बहुत ही आसान होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है स्विचिंग बहुत जल्दी हो जाती है ब्रांड्स के बीच में।
तो आई होप ये बाइंग बिहेवियर आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, बाइंग पैटर्न्स जो हैं किस तरह, या बाइंग पैटर्न्स कहिए या बाइंग बिहेवियर करिए, जब हम प्रोडक्ट्स को लेते हैं या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को खरीदता है तो किस तरीके के बिहेवियर को शो करता है अलग अलग। जब वो महंगे चीज़ को खरीदेगा तो किस तरीके के बिहेवियर शो करेगा, जब लिमिटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में तो किस तरीके का बिहेवियर, जो हैबिचुअल है यानी कि जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं उस तरीके में किस तरीके का बिहेवियर है, अब जिसकी वैरायटी अवेलेबल है प्रोडक्ट्स की उस तरह में किस तरीके का बिहेवियर है, तो इस तरीके से बाइंग बिहेवियर या बाइंग पैटर्न शो करता है कस्टमर। इसके आधार पर हम लोग बाइंग बिहेवियर स्टडी करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। अब देखते हैं हम लोग बच्चों कि सीआरएम में बिजनेस साइकिल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो चार कंपोनेंट्स हैं इसके, मार्केटिंग, सेल, ऑर्डर एंड सपोर्ट। तो सारे जो ये एक साइकिल के रूप में घूमता है बच्चों, सबसे पहले जब हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं तो डाटा जो है मार्केटिंग कंपेन्स करके इकट्ठा की जाती है, मार्केटिंग कंपेन्स करके हम कंज्यूमर्स के या कस्टमर्स के डाटाज को इकट्ठा करते हैं, मार्केटिंग टीम पूरी एनालिसिस करती है, कंपेन्स को रन करती है, जनरेट लीड करती है फ्रॉम अ डाटाबेस। तो इन चीज़ों को करने के बाद मार्केटिंग टीम जो है वो सेल्स टीम को लीड को दे देगी, असाइन अ लीड। मार्केटिंग टीम ने डाटा को इकट्ठा किया, मार्केटिंग कंपेन किया, जनरेट लीड को जनरेट किया। अब मार्केटिंग कंपेन करने से क्या होगा, हमें ये मालूम चलेगा कि जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में उसके प्रति सोच क्या है, और जब हम उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं तो हमारे पास बहुत से कस्टमर आ रहे हैं जो नाम लिखवा के जा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हम लेंगे। कुछ लोग तो वहीं से ले लेते हैं प्रोडक्ट को, तो वो क्या करेगा, सेल्स टीम को लीड दे देगा कि हाँ ये जो कस्टमर है ये प्रोडक्ट को लेगा, आप इसे फ़ोन करो और प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाओ। तो सेल्स टीम क्या करेगा, क्वालिटी लीड्स को देखेगा, उस लीड को ट्रैक करेगा, अपॉर्चुनिटी को ट्रैक करेगा और लीड्स को कन्वर्ट करेगा वैल्यू कस्टमर में। उसके बाद जो है वो ऑर्डर टीम को जाएगी, जब लीड्स कन्वर्ट हो जाएंगी कस्टमर में तो डिलीवरी टीम जो है वो ऑर्डर को डिलीवर कर देगा उसकी जगह पे जहाँ पे वो डिलीवरी देना है। उसी तरीके से जब हम प्रोडक्ट्स को वो ऑर्डर कर दिए, डिलीवर कर दिए, जब कस्टमर ने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया तो वो ख़राब निकला, तो सपोर्ट टीम को वो फ़ोन करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके का है। सपोर्ट टीम क्या करेगी, इसकी फीडबैक जो है वो फिर से मार्केटिंग टीम को दे देगी कि जो आपने लीड जनरेट किया, जो भी आपने कंपेन किया, तो वो कस्टमर को इस तरीके का प्रोडक्ट मिला है, आप उसे रिप्लेस करो या उसे रिटर्न करो। तो ये मार्केटिंग टीम उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके फिर से मार्केटिंग कंपेन करेगी और मार्केटिंग करेगी और वो लीड जनरेट करेगी और सेल्स टीम को दे देगी। इस तरीके से ये साइकिल घूमता रहता है बच्चों। तो सीआरएम बिजनेस में ये साइकिल्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले हम लोग मार्केटिंग टीम को देखते हैं, मार्केटिंग टीम क्या करती है, कंपेन्स करती है मार्केटिंग की, लीड्स को जनरेट करेगी, सेल्स टीम को लीड दे देगी, सेल्स टीम क्या करेगा, क्वालिटी लीड्स को अलग करेगा और लीड्स को कन्वर्ट करेगा। उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी को ट्रैक करेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जब हमारा लीड्स कन्वर्ट हो जाएगा तब वो ऑर्डर टीम को दे देगा कि ये प्रोडक्ट उसको डिलीवर कर दो। उसके बाद प्रोडक्ट्स को डिलीवर होने के बाद वो सपोर्ट टीम में चला जाएगा कि जो कस्टमर है उसे अवेलेबल फीडबैक लेना है, या कस्टमर को डिफ़िकल्टी आ रही है, सर्विस सही नहीं मिल रहा है, तो वो सपोर्ट टीम के पास फ़ोन करेगा। तो ये साइकिल घूमता रहता है बच्चों। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ गए होंगे बच्चों। एक एक पॉइंट को मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है, इनके आप नोट्स बना लीजिए या हमारे पीडीएफ को फॉलो कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी डाउट है बच्चों, या पिछले लेक्चर से कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।